इन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 9 का। देखिए, विषय आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ओके, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर है। 50 नंबर इसमें पूर्णांक रहेगा, आपके 3.25 घंटे के समय रहने वाला है। ओके, यहाँ पर ये आपका पेपर है जो 100 नंबर का नहीं होगा। ओके, इसमें तो बस आपको पास होना पड़ेगा, बस पेपर में आप इतना लिख आइए, आपको पास कर देंगे टीचर। तो देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपके इसमें नोट दे रखा है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। यहाँ पर देखिए खंड आएगा जो आपके 10 नंबर के छोटे प्रश्न बुझे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शारीरिक शिक्षा से क्या आशय है। ओके, तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के लिए इसका आशय क्या होगा। यदि दोस्तों हमारा शरीर है जो सही रहेगा, ओके, तो यहाँ पर उसमें स्वस्थ मस्तिष्क में, ओके, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। उसके बाद देखिए वृद्धि से आप क्या समझते हैं। ओके, वृद्धि से आप क्या समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ। तो इसमें आप किस प्रकार इसका बताएंगे, तो इसमें आप लगाएंगे, आपका जो उत्तर होगा वृद्धि। यहाँ पर शरीर के वृद्धि हार्मोन में वृद्धि होना ही यहाँ पर, ओके, वृद्धि हार्मोन द्वारा निकले हार्मोनों से शरीर में बढ़ोतरी होना ही वृद्धि कहलाती है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा। ओके, स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा आपको बतानी है शरीर को फिट रखने के लिए। ओके, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, यहाँ पर फिट रखने के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको, ओके, स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता होती है। उसकी परिभाषा भी आप इस प्रकार दे देंगे। कूद कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर देखिए कूद 3 प्रकार के होते हैं। ओके, यहाँ पर कौन कौन से होते हैं यह आपको लगाना है, टाइप ऑफ जंप्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगला है योगासन के सामान्य नियम बताइए। ओके, तो योगासन के आप नियम देख लेना यहाँ पर, रूल, जर्नल रूल योगा के। ओके, तो उसके बाद देखिए आपके गीता के अनुसार योगा की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेट, ओके, डिफाइन और योगा अकॉर्डिंग टू द गीता। ओके, तो इसमें आप दे देंगे। और अगला देखिए इसमें जीवन रक्षक गैस कौन सी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसमें आप लगाएंगे ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के 1 मिनट भी नहीं मिलने से आपकी मृत्यु हो सकती है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, तो प्राथमिक उपचार उसे कहते हैं घरेलू सामानों से दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है तो वह यहाँ पर दोस्तों घर पर ही उसकी पट्टी करता है, अर्थात तो उसके कपड़ा बांध लेता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके अगला प्रश्न है समस्त खेलों की जननी कौन है। तो समस्त खेलों की जननी कौन है यह आपको बताना है। ओके, जननी यानी होते हैं मदर, तो कौन है समस्त खेलों की माता यह आपको बता देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शैक्षणिक खेल कैसे उपयोगी हैं, तो शैक्षणिक खेल आपको बताना है, एजुकेशनल गेम्स, इनसे क्या है दोस्तों, लोग इंटरनेशनल पर चले जाते हैं ताकि उनको यहाँ पर शील्ड दी जाती है। ओके, यानी कि उनको अवार्ड मिलते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर सेक्शन बी आएगा। ओके, तो इसमें पार्ट बी आपकी 36 अंक का होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये रहे आपके प्रश्न, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है। ओके, विकास होता है वे एक कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पर सभी चीजों में होती है। ओके, वृद्धि विकास हो सकती है लेकिन विकास में वृद्धि नहीं हो सकती। जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण यहाँ पर जल में गंदगी होना ही प्रदूषण कहलाता है, वाटर पॉल्यूशन। ओके, तो उसके बाद देखिए व्यायाम का महत्व क्या है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों व्यायाम की आवश्यकता होती है। ओके, यहाँ पर यही हमारा क्या है, व्यायाम के महत्व है। स्वास्थ्य की अच्छी आदतों के बारे में बताइए हमको दोस्तों, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और सुबह फ्रेश होना चाहिए। ओके, शौचालय जाना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए इसमें और आप क्या लगाएंगे, आपको खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, यहाँ पर खाना खाना चाहिए हाथ धोकर। ओके, और नहाना चाहिए प्रतिदिन,
और मैं आपको बता देता हूँ प्रतिदिन दौड़ लगानी चाहिए यहाँ पर, और ETC, ओके ETC लिख देंगे। प्रोटीन के प्रमुख स्रोतों के बारे में लिखिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दूध, ओके मिल्क, एग, ओके इनको आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए पिरामिड्स के से आप क्या समझते हैं, तो पिरामिड्स दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार का योगा ही होता है, ओके जिसमें दोस्तों जैसा कि यहाँ पर कोई दो बंदे हैं इस प्रकार, फिर उनके ऊपर एक बंदा यहाँ पर इस प्रकार खड़ा है, ओके इस प्रकार वह खड़ा है, तो इस प्रकार का ये क्या है पिरामिड होता है यहाँ पर आप जानते हो, यहाँ पर अलग अलग स्टेप होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर खो खो खेल का लघु लेख लिखिए, ओके तो इसको आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए स्वच्छ भारत अभियान का महत्व, दोस्तों भारत को स्वच्छ बनाने के लिए किया गया था यहाँ पर ये 2014 में, ओके यहाँ पर किसने महात्मा गांधी ने चलाया था, तो यहाँ पर अगला देखिए अगला आपके हैं किन्हीं तीन योगासनों के बारे में बताइए, ओके तो यहाँ पर आप लिख देंगे योजरासन, ओके और कई योगासन है। उसके बाद देखिए फिटनेस की आधुनिक जीवन में आप क्या महत्व है, तो यहाँ पर देखिए ये फिटनेस उसके जिम के बारे में पूछ रहा है, तो फिटनेस के बारे में आपको बता देना है, ओके। उसके बाद देखिए संतुलित भोजन से आप क्या समझते हैं, संतुलित भोजन यानी कि अधिक नहीं खाना चाहिए, बराबर खाना चाहिए पूरे जीवन में, ओके यानी कि आपको कोई माल मिले तो आप दोस्तों यहाँ पर उसको खींचने लग जाओ, इस प्रकार नहीं खाना है, ओके लिमिट का खाना चाहिए। और सर्पदंश, ओके सर्पदंश के बारे में आप क्या जानते हैं, ओके यहाँ पर आपको लिख देना है इसके बारे में क्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके अगला प्रश्न है ये रहा व्यक्तिगत के आधार क्या है, ओके व्यक्तिगत का आधार पर्सनलिटी, ओके तो उसके बाद देखिए कुपोषण क्या है, कुपोषण यहाँ पर देखिए पोषण की मात्रा में कमी होना कुपोषण कहलाता है, ओके पोषण की मात्रा में कमी होना इम्पोर्टेंट आएगा, आप चाहे किसी भी जिले से हो ये प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके अगला प्रश्न है जिम स्टिक से के क्या लाभ है, इसको आपको लिख देना है, तो यहाँ पर इसके लाभ जो क्या है शरीर फिट रहता है इससे यहाँ पर, और जैसा कि किसी का मोटापा होता है तो उसको कम किया जा सकता है, और किसी की हाइट नहीं बढ़ रही तो उसकी हाइट बढ़ ही जा सकती है। देखिए यहाँ पर गोला फेंक की क्रिया क्या है, तो यह आपके तीन नंबर का आएगा, इसमें आपको अपनी क्रिया लिखनी है, ओके शॉर्ट पुट, ओके एक्टिविटी आपको लिखनी है। तो उसके बाद देखिए उसके बाद आपके यहाँ पर आएगा से सेक्शन, इसमें आपको चार नंबर का आएगा, तो चार नंबर के में देखिए एथलेटिक्स को विस्तार से लिखना है आपको। उसके बाद देखिए अपनी पसंद, इसके अर्थ में मिलेगा आपको अपनी पसंद के किसी एक खेल के बारे में बताइए और मैदान का चित्र आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आप कबड्डी का खो खो इनके किसी के भी बारे में लिख सकते हो और आपको विस्तार से चार नंबर में इसको समझाना है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद और जय भारत।